प्रत्युषा बनर्जी एक ऐसी एक्ट्रेस जिनको लेकर ये खबरें थी कि उन्होंने सुइसाइड कमिट किया था। हम आपको बताते हैं कि उस सुइसाइड के बाद यानी 5 साल पहले ये हुआ था, यानी साल 2016 में 27 मार्च को उनका निधन हो गया था। अब हम आपको बताते हैं उनके जो एक्स बीयू हैं उन्होंने अब 5 साल बाद क्या बड़ी बातें बोली हैं, और उन्होंने टीवी की एक्ट्रेस काम्या पंजाबी और टीवी और विकास गुप्ता जो हैं उन पर डिफेमेशन केस फाइल करने वाले हैं। उन्होंने क्या कहा है इस पूरे मामले पे, हम आपको बताते हैं अपनी इस पूरी वीडियो में। लेकिन चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप कभी भी मिस ना करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार जो एक्स बीयू है राहुल राज सिंह, उन्होंने क्या कहा है प्रत्युषा की डेथ पर। उन्होंने कहा है कि अब 5 साल हो चुके हैं जिसके बाद अभी तक वो डरे हुए हैं। वो कहते हैं कि आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डे, इट इज एम्बेडेड इन माई हार्ट एंड सोल, एंड द वे प्रत्युषाज सो कॉल्ड फ्रेंड्स विकास गुप्ता एंड काम्या पंजाबी ट्राई टू पिन प्रत्युषाज डेथ ऑन मी, सो दे हैव देयर ओन कॉन्साइंस एंड गॉड टू आंसर टू, दे नो एज वेल दैट आई एम नॉट गिल्टी, दे ऑल्सो नो वाई दे डिड ऑल द तमाशा। कि आखिरकार उन्होंने प्रत्युषा की मौत के बाद क्यों इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया, और वो प्रत्युषा का जो सारा आरोप है उनकी डेथ का वो सब मेरे ऊपर डालने की बहुत कोशिश की है। अब आपको बता दें कि उन्होंने बताया है कि प्रत्युषा बनर्जी को मैंने नहीं मारा, प्रत्युषा बनर्जी को उनकी जो पेरेंट्स की वजह से उनका जो गुस्सा था प्रत्युषा बनर्जी का अपने पेरेंट्स पर जो ग्रीफ था, जो एंगर था, वो सब उनके पेरेंट्स की वजह से था। सो उन्होंने बोला है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो इस सब चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल है, मैं नहीं हूँ। हम आपको बताते हैं कि उन्होंने बताया कि एक लास्ट फोन कॉल जब मेरी प्रत्युषा की हुई थी, जिसके बाद उन्हें एक्यूज माना जा रहा है इस पूरे केस में, लेकिन उन्हें बेल भी उसी लास्ट फोन कॉल की वजह से मिली थी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बात नहीं थी जिसे सुनकर ऐसा लगे कि किसी ने प्रत्युषा बनर्जी को उकसाया है ये सब करने के लिए। अब हम आपको बताते हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो विकास गुप्ता और काम्या पंजाबी के अगेंस्ट में एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस को फाइल करेंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि इन दोनों ने जो तमाशा किया था, जो प्रत्युषा बनर्जी की डेथ का जो पूरा आरोप मुझ पर डालने की कोशिश की थी, जिसके बाद मेरा जो करियर है वो फुल चौपट हो चुका है और मैंने जो भी अचीव किया था अपनी लाइफ में वो सब ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब उसका उसकी जो भरपाई है वो कौन करेगा। सो उन्होंने कहा है कि अब वो इन दोनों पर एक क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल को केस करने वाले हैं और कंपनसेशन मांगेंगे उनसे कि आखिरकार उनके लाइफ में जो उनका नुकसान हुआ है, उनके कैरेक्टर का नुकसान हुआ है, उनके पैसों का नुकसान हुआ है, उनके करियर का नुकसान हुआ है, इन सब का कंपनसेशन मांगेंगे काम्या पंजाबी से और विकास गुप्ता से।